Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at your homes. So today, what we'll be doing is we will be learning the rest three forms of the present tense, that is continuous, perfect and perfect continuous. As you all know, in the previous video, I have already taught you, I have already revised the section tense, its three types and about simple present tense. And today we have to discuss the three forms of the present tense, that is continuous, perfect and perfect continuous. So let's start. Present continuous tense. So in present continuous tense हम क्या किस टाइप के sentences के बारे में बताते हैं, उन sentences का के लिए use होता, उन sentences में use होता है ये tense जिनमें हमें ये बताना होता है कि काम अभी भी हो रहा है, वो complete नहीं हुआ, it's continuous, अभी भी चल रहा है वो काम. okay, so ऐसे काम के बारे में जब बात करनी होती है हमें, तो हम present continuous tense का use करेंगे. okay, so what is the rule for forming present continuous tense? let's see. So the rule for forming present continuous tense is subject plus is, am, are. According to the subject, अगर subject I है तो हम क्या use करेंगे subject के बाद? am. अगर subject singular है तो हम subject के बाद क्या use करेंगे? is. अगर subject plural है तो हम subject के बाद are लगाएंगे. उसके बाद आपको क्या करना है? ing form of the verb, जो भी verb रहेगा उसमें हमें ing लगा देना है और last में object लिखना है. So basically the rule is subject plus is am are plus ing form of the verb plus object. Let's see an example. ये example से समझेंगे हम इसको. Subject, सबसे पहले subject है the boy. Boy क्या है? Singular है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे boy के बाद? Is. यहाँ पे is लगा दिया. The boy subject plus is plus verb में ing लगाना. Verb है यहाँ पे play. तो play में हमने क्या लगा दिया? ing. So प्लेइंग हो गया. उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्ट. लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया. सो सेंटेंस बन गया ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, द बॉय इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ नाइट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें हैज और हैव का यूज करना होता है. ओके, सो लेट्स सी द रूल. क्या रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म करने के लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव. और एक एक्सेप्शन होता है. कौन सा है एक्सेप्शन? आई. क्यों एक्सेप्शन है आई? क्योंकि आई होता है सिंगुलर, पर उसमें ऐड क्या होगा? हैव. ओके, आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है. भले ही आई सिंगुलर है फिर भी हम उसमें हैव लगाते हैं, और बाकी सब के लिए रूल सेम है. बस आई के लिए और यू के लिए रूल अलग होते हैं. आई और यू दोनों सिंगुलर होते हैं पर उनमें हम हैव लगाते हैं. बाकी के लिए रूल अलग है क्योंकि सिंगुलर में हम हैज यूज करते हैं और प्लूरल में हैव यूज करते हैं. ओनली टू वर्ड्स आर एक्सेप्शन, दैट इज आई एंड यू, जिनमें हम सिंगुलर होने के बावजूद हैव का यूज करेंगे. अंडरस्टूड? नाउ तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब को उसके पास्ट फॉर्म में लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है. एक एग्जाम्पल देखेंगे हम. द बॉय. द बॉय सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ये, इसलिए बॉय के बाद क्या यूज हो जाएगा? हैज. तो हमने हैज लिखा है यहाँ पे. उसके बाद वर्ब को उसके पास्ट फॉर्म में लिखना है, तो वर्ब क्या है? प्ले. उसमें हमने ईडी लगा दी, तो पास्ट फॉर्म में बदल गया और लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया. तो बन गया ना सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, द बॉय हैज प्लेड द रोल ऑफ अ नाइट. सो दैट इज द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ द लास्ट फॉर्म इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लेट्स सी इट. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये जो टेंस होता है ना, दिस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्यों? क्योंकि इसमें हम हैज हैव का भी यूज करते हैं और इसमें हम आई एन जी का भी यूज करेंगे, वर्ब में आई एन जी भी लगाएंगे. अंडरस्टूड? तो इसमें हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल जो आपने याद किया वो भी याद रखना जरूरी है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल जो आपने याद किया वो भी याद करना जरूरी है. ठीक है, चलिए तो इसका रूल देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद. बस याद रखना है कि यू और आई अगर सिंगुलर है तो भी उसमें हम हैव बीन ही लगाते हैं, क्योंकि आई और यू दोनों क्या हैं? एक्सेप्शन है. फिर क्या करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब आई एन जी लगाना है वर्ब में और लास्ट में ऑब्जेक्ट. तो रूल क्या हो गया?
सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट आई, फिर हैज बीन या हैव बीन लगाना है, तो हैव नॉट बीन, यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए नॉट भी ऐड हो गया है, तो आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन अकॉर्डिंग टू द रूल, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना था तो रीडिंग कर दिया हमने, रीड वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दिया, तो सेंटेंस हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, जो भी आप भूले होंगे आपको फिर से याद आ गया होगा। सो वी हैव अगेन रिवाइज्ड प्रेजेंट टेंस, इन नेक्स्ट वीडियोज विल बी रिवाइजिंग फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर, थैंक यू।